मैं हमेशा से ही बहुत नटर थी। अकेले रात 12 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर फिर उस वाक्य ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मेरी एक दोस्त ने नया घर लेने की खुशी में पार्टी रखी थी। मैं उसकी पार्टी से वापस आ रही थी। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था और सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। वो एरिया मेरे लिए नया था और रास्ते में मैं थोड़ा भटक गई, तो मैंने गाड़ी एक साइड पे रोकी अपने फ़ोन पे डायरेक्शंस चेक करने के लिए। अचानक मेरी विंडो पे किसी ने नॉक किया। प्लीज़ मेरी मदद करें, वो औरत मुझसे कहने लगी कि उसकी 3 महीने के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और अगर उसको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो मर जाएगा। ये सुन के मेरा दिल दहल गया। मुझे दूर से उस औरत के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे कहा कि वो परेशान ना हो, हम उसे फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं जल्दी से गाड़ी से उतर के उसके साथ चलने लगी ताकि हम उसके बच्चे को ले आएं। प्लीज जल्दी चले मेरे साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे उसके बच्चे के रोने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। जल्दी चले, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अचानक चलते चलते मेरी टांग एक शाख लगने से जख्मी हो गई। मैं कुछ देर वहीं रुक गई ये देखने के लिए कि जख्म गहरा है या नहीं, पर जब मैंने मुंह ऊपर उठाया तो वो औरत वहां नहीं थी। हे, हेलो हेलो, वो मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, बस सिर्फ उसके बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कहीं करीब ही हैं, तो मैंने आसपास उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले और उनकी जगह मुझे कुछ और मिल गया। मैं पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। मुझे उस औरत के कदमों की चाप अपने पीछे सुनाई दे रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मैं जितना तेज भाग सकती थी मैं भागी। मैं गाड़ी अनलॉक छोड़ के गई थी, इसलिए मैं तेजी से गाड़ी में बैठी और फौरन गाड़ी के दरवाजे लॉक किए, पर मुझे अपनी गाड़ी की चाबी कहीं नहीं मिल रही थी। ये सोच के मेरा दिल बंद हो रहा था कि कहीं मैं अपनी चाबी भागते हुए जंगल में तो नहीं गिरा आई। क्या हुआ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही? चलो मैं ढूंढ के लाती हूँ। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करके सब बताया और उनसे कहा कि वो जल्द से जल्द पहुंचे, मेरी जान खतरे में है। मैं बेसब्री से पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी और दुआ कर रही थी कि कहीं उस औरत को मेरी गाड़ी की चाबी ना मिल जाए। वो औरत मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी, पर अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो गई जब मैंने उस पागल औरत को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा और उसके हाथ में मेरी गाड़ी की चाबी थी। मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी।
पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भाग गई। पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा, पर वो पागल औरत उन्हें कहीं नहीं मिली। उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। मैं हैरान थी कि वो कहाँ गायब हो गई। उस रात पुलिस वालों की गाड़ी ने मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुँचाया। उस वाक्य से मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि कभी भी हमें अंधाधुंध किसी गैर शख्स पे एतबार नहीं कर लेना चाहिए। पता नहीं वो कौन हो और हमसे क्या चाहता हो। और मैंने अकेले देर रात को गाड़ी चलाने से भी तौबा कर ली। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने उन दो सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट किया, टोनी डिलानो एंड क्रोएशियन गेमिंग। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो मेरी स्टोरीज देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अंटिल देन, बाय।